यूनिक चीज़ ये देखने को मिलेगा। तो DRL का पार्ट है ये सेपरेट। हाँ देखें, 5 इंच का हमें TFT कलर डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ आपको सेंसर दिया गया है। ड्यूक के अंदर अब आपको और भी पावरफुल इंजन देखने को मिल रही है, एडजस्टेबल के साथ आ जाता है। यहाँ आप देखें रीबाउंड एंड कंप्रेशन एडजस्टेबल मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 150/60 R17। यहाँ ड्यूक 390 के प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सहनशाह बख्शी, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजन देखो पे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है ऑल न्यू KTM ड्यूक 390। कंपनी ने ड्यूक 390 के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं, बिल्कुल नए अवतार में देखने को मिल जाती है थर्ड जनरेशन ड्यूक 390। अब आपको न्यू इंजन देखने को मिल जाएगा, न्यू फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सारे आपको न्यू देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस किए गए हैं। मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ बाइक का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इंटरेस्टिंग होगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को इन तक देखें जिससे बाइक के सारे पार्ट्स को आप अच्छे से कवर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। आप मैं जैसे ही इग्निशन ऑन करता हूं, आपको सबसे यूनिक चीज़ ये देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो जो हमारा जो DRL का पार्ट है ये सेपरेट रखा गया है। आपको हेडलैम्प के साथ ये नहीं मिलने वाला है। यहाँ ये जो पार्ट्स है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये अगर कभी डैमेज होता है तो इसको आप बाद में भी आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको हेडलैम्प को चेंज नहीं कराना है। आपको यहाँ 2 चैम्बर में फुली LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। काफ़ी शार्प डिज़ाइन दिया गया, काफ़ी एग्रेसिव फ्रंट से दिया गया डिज़ाइन। और ये जो आप देख रहे हो जो टैंक का एक्सटेंशन है, इससे सामने से काफ़ी ये चौड़ी लग रही है, काफ़ी रोड प्रेजेंस दिखता है गाड़ी का। आपको ड्यूक में जो सामने से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स हमारा LED के अंदर होने वाला है। यहाँ कुछ वायर्स वगैरह एक्सपोज हो रहे हैं। यहाँ KTM थोड़ी सी प्लास्टिक की कवरिंग कर सकती थी। यहाँ जो आपके ब्रेक लीवर्स हैं, क्लच लीवर, ये भी एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सामने से आपने लुक देख लिया। ये ORBM का डिज़ाइन देख सकते हो, ये मेटल के अंदर ही आने वाला काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। काफ़ी वाइड रखा गया है ORBM को। बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है ये अपसाइड डाउन फोक हमें मिल जाता है। 43 mm का हमें यहाँ फोक इस्तेमाल किया गया है। ये फुल्ली एडजस्टेबल के साथ आ जाता है। यहाँ आप देखें रीबाउंड एंड कंप्रेशन एडजस्टेबल मिल जाता है। 5 टाइम एडजस्टेबल है ये रीबाउंड एंड कंप्रेशन के लिए। अब अपने अकॉर्डिंग आपको जिस कैसे रोड पर राइड करना है, अगर आप हाईवे पर कर रहे हो तो आप स्टीफर साइड कर सकते हो। अगर आपको किसी पथोल वाले एरिया में टूटे फूटे रोड में चला रहे हो तो आप यहां से सॉफ्ट कर सकते हो, ये एडजस्टेबल आ जाता है। यहां देखे जो मडगार्ड का डिज़ाइन है ये काफ़ी सिंपल सोवर ही रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये हालांकि प्लास्टिक के अंदर ही आने वाला है। बाइक का जो फ्रंट टायर आप देख रहे हो ये मैट जेलर से लिया गया है, M5 सीरीज का है, जो KTM अपने सारे बाइक्स में यही टायर यूज करती है। टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो 110/70 R17 17 इंच का हमें यह टायर मिल जाता है। ये एलॉय का डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये RC से लिया गया है, 5 स्पोक के साथ मिलने वाला है। और ये जो डिस्क है हमारा 320 mm का डिस्क मिल जाता है, जो कि अब राइट साइड में प्लेस किया गया है। पहले आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा होगा बट ये राइट साइड में, कंपनी का ये कहना है कि ये बाइक में ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, यहाँ इस साइड से काफ़ी भरा भरा दिखता है। यहाँ आप देखो बाइबरी के क्लिपर्स मिल जाते हैं, वहीं आपको यहाँ पे साइड से रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें ABS मिल जाता है। आपको बाइक के साथ ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है। KTM ड्यूक फ्रंट से तो एग्रेसिव काफ़ी शार्प दिखती है बट मुझे पर्सनली जो साइड का लुक है ये काफ़ी बढ़िया लगता है। ये आप टैंक का जो एक्सटेंशन देख सकते हो, ये पैनल काफ़ी आगे तक जाता है जिससे बाइक काफ़ी बड़ी दिखती है। आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा ये डिज़ाइन है ये आपको फाइबर के साथ ही है, बट ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, मतलब एयर प्रेशर को ये अच्छे से दाबेगा, बाइक हमारी रोड पर काफ़ी अच्छे से प्लांट होगी। यहाँ थोड़े से कट दिए गए हैं जो इंजन को कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप फ्रेम देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू फ्रेम इस्तेमाल किया गया। यहाँ स्विंग आर्म देख सकते हो, इसका भी अलग डिज़ाइन है। ये बनाना डिज़ाइन लोग कहते हैं, आई डोंट नो ये क्यों बनाना डिज़ाइन इसको कहते हैं। उसके बाद बाइक का ये जो पार्ट्स देख रहे हो ये फुली एल्युमिनियम के साथ आ जाता है। बाइक को काफ़ी वेटलेस रखा गया है। ये आपको 4 kg के अप्रोक्स पहले से कम वजन के साथ आएगी। 168 kg इसका वेट रखा गया बाइक का। ये फुली एल्युमिनियम का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये आप सस्पेंशन देख रहे हो, जो रियर सस्पेंशन है हमारा मोनोशॉक है, ये भी आपका कंप्रेशन एडजस्टेबल के साथ आता है। यहाँ आप देख सकते हो सॉफ्ट और हार्ड, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसे रोड के लिए कैसा कंफर्ट चाहिए। ये जो सस्पेंशन है ये आपको राइट साइड पर प्लेस किया गया, क्योंकि यहाँ आपको एयरबॉक्स के लिए थोड़ा सा जगह बचाना था, तो एयरबॉक्स के लिए भी यहाँ जगह मिल जाता है, तभी हमारा जो सस्पेंशन है मोनोशॉक ये राइट साइड को प्लेसमेंट किया गया है। और जो सीट हाइट है, इस सीट हाइट भी 20 mm पहले के कंपेयर में कम किया गया है। पहले 820 mm का सीट हाइट मिलता था बट अब ये 800 mm का है। और वहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें भी काम किया गया, ये 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया और सीट हाइट को कम किया। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट यहाँ से दिख रहा है। बाइक का जो हाइट है, मैं 5'7" का हूँ, कंफर्टेबल होकर बाइक पर बैठ सकता हूँ।
अगर आप 5.5 के भी हो, 5.6 के भी हो, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हैंडल का पोस्चर बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत ही रिलैक्स होके सीधे होके बैठ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना है जो मेरे एल्बो पे या मेरे शोल्डर पे कोई ऐसी इफेक्ट आवे या मुझे थकान फील हो। थोड़ा सा आपको फुट रेस्ट पीछे देखने को मिलेगा, इससे आपको 1-2 घंटे के बाद 100-150 किलोमीटर के बाद अपने पाँव को स्ट्रेच करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। लुक के अंदर इंजन में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आपको अब 399 cc का इंजन मिल जाता है। सेकेंड जनरेशन में आपको 373 cc का इंजन मिलता था। और मैक्सिमम पावर की बात कर ले तो 46 PS का पावर आपको मिल जाता है 8500 RPM पे। ये भी अब आपको कम RPM मैक्सिमम पावर डिलीवरी मिलने वाला है। और टॉर्क की बात कर ले तो 39 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM पे। मतलब कम टोटल लेते हो 6500 RPM पे आपको 39 Nm का टॉर्क मिलेगा 6 गियर बॉक्स के साथ। यहाँ देखें आप LC4CR मतलब लिक्विड कूल फोर स्टॉक चैम्बर या कॉम्पैक्ट ऐसे कुछ करके है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया है, आपको इंजन हीट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दो आपको फैन मिल जाते हैं यहाँ रेडिएटर के पास। वही हमारा जो एग्जॉस्ट नोट है ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जो हमेशा से ड्यूक के अंदर आपको देखने को मिलता होगा वो यहीं पे प्लेस किया गया है। बाइक का रियर टायर भी मैट जेलर M5 का ही मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया टायर है, आपको रेडियल देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो 150/60R17 यहाँ भी 17 इंच का आपको टायर देखने को मिल जाता है। बाइक के साथ जो रियर डिस्क है ये 240 mm का मिल जाता है। यहाँ भी बाइक ब्रेक के आपको क्लिपर्स मिल जाते हैं जिसका रिस्पॉन्स बढ़िया है। यहाँ आपको ड्यूल चैनल देखने को मिल जाएगा बाइक के साथ। हम देख लेते हैं बाइक के हैंडल माउंट पे हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखें तो यहाँ आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब देखिए ये स्लाइड करके आप नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, यहाँ से डेडिकेटेड सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाते हैं। यहाँ जो ब्रेक देख रहे हो ये एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलने वाला है, आप सामने से दिखाएं इसको, ये देखें आपके जो उंगली के अपने उंगली के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। ये आगे की तरफ भी जाएगा और अंदर की तरफ भी आ सकता है, ये आपको फुल्ली एडजस्टेबल मिल जाता है ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर। ये देखें यहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाइक के साथ स्लीपर क्लच मिलने वाला है, काफ़ी सॉफ्ट ये आपको देखने को मिलेगा। आपको शिफ्टिंग के टाइम पे थोड़े प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये काम कर रहा है। और यहाँ आप स्विच देख सकते हैं, यहाँ हमें इंडिकेटर्स के लिए स्विच मिल जाते हैं, यहाँ हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है, यहाँ हैजार्ड लाइट्स के यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी दिए गए हैं बटन्स, और जो आपका हाई बीम लो बीम उसके प्लेसमेंट यहाँ किए गए हैं बटन्स के। स्विच गियर्स काफ़ी बढ़िया क्वालिटीज के यूज़ किए गए हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हो टैंक भी आपको मेटल के साथ ही होने वाला है, 15 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। यहाँ देखें E20 का हमें स्टिकर मिल जाता है जो E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करेगा। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, ये ऐसे ओपन होने वाला है, ये आगे के साइड ओपन होगा, ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है इसकी भी प्लेसमेंट। की बात कर ले तो यहाँ आपको 2 की मिल जाते हैं जो कि वेब की होने वाली। अब मैं जैसे ही इग्निशन ऑन करता हूँ यहाँ देखें 5 इंच का हमें TFT कलर डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ आपको सेंसर दिया गया है, जैसे मैंने उंगली रखा ये धीरे धीरे डिम होने लगेगा, उंगली हटाते ही लाइट के अकॉर्डिंग ये फिर ब्राइट होने लगेगा। ये स्ट्रीट मोड पे सेट है तो ऐसे हमारा आ रहा है। यहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। अभी साइड स्टैंड ऑन है तो इसके आपको इंडिकेटर्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ ABS के, न्यूट्रल के, और यहाँ 4 फेवरेट्स इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ आप देखें यहाँ जो स्विच दिए गए हैं सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपके 5 इंच TFT डिस्प्ले के। यहाँ आप जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देखें इंजन किल स्विच प्रेस करने को कह रही है। हाँ अब जैसे ही मैंने ऑन कर लिया यहाँ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग सेटिंग में दिखाता हूँ, यहाँ से आपको बाइक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आपके ट्रिप ए देखने को, ट्रिप बी क्या डिस्टेंस कवर कर सकती है ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। यहाँ से स्पीड कंट्रोल है कि ये बाइक बहुत ही तेज है, बहुत ही स्पीड चलने वाली है, बट यहाँ से आप अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। आप सपोज कर लो कि किसी एक्सप्रेस वे पे हो, वहाँ स्पीड लिमिट 100 की है, 90 की है, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप चलान से बचने के लिए ये स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ये भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ जाता है, क्यूक शिफ्टर मिलने वाले हैं, शिफ्ट लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फेवरेट्स यहाँ से अपने लिए चुन सकते हो, यहाँ से अपने लिए आप राइड्स मोड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं राइड्स मोड पे जाके सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ से 3 राइड्स मोड देखने को मिल जाएंगे। ये स्ट्रीट पे है, स्ट्रेट के बाद आपको ट्रैक मोड मिल जाएंगे और ट्रैक मोड के बाद रेन मोड मिल जाएंगे। मैं बैक जाकर अब ABS के सेटिंग पे आता हूँ, ABS कहाँ कहाँ हमारा वर्क करेगा। अगर आप रोड पे हो तो आपका फ्रंट ABS और रियर ABS दोनों वर्क करेगा। अगर आप सुपर मोटो मोड पे आ गए हो तो आपका जो रियर ABS है ये डिसेबल हो जाएगा, बस फ्रंट आपका काम करेगा। तो यहाँ आपको ABS के सेटिंग्स मिल जाते हैं। मैं बैक आके अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल पे जाता हूँ
और इस पर क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हो कि ट्रैक्शन कंट्रोल को हमने अभी ऑन कर रखा है। ऑफ़ करने के लिए भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो, ये हमने ऑफ़ कर लिया, यहाँ से आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ हो जाएगा। मैं बैक आके अब आपको लॉन्चिंग कंट्रोल पे दिखाता हूँ। लॉन्चिंग कंट्रोल के लिए सबसे पहले आपको ट्रैक पे, अब मैं ट्रैक पे आ गया हूँ, ट्रैक पे सेलेक्ट करने के बाद ट्रैक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब लॉन्चिंग कंट्रोल पे आ सकता हूँ। आप देखें लॉन्चिंग कंट्रोल पे हम आ गए हैं, यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको, ये 1000 किलोमीटर के बाद ही आएगा, ये अवेलेबल नहीं है 1000 किलोमीटर के अंदर। कर ले तो सीट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया यहाँ पे। यहाँ भी आपको कुछ रबर के पैडिंग मिलती है, आई थिंक ये अच्छे ग्रिप के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। यहाँ पिलियन के लिए भी पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल सीट दिया गया। यहाँ आप देखें ग्रैब रेल भी हमें मिल जाता है, जिसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्पोर्टिव फील कराएगा। और ये जो बाइक का टेल लाइट है, टेल लाइट मैं अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखें हमें टी शेप में बैक लाइट देखने को मिलेगा, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने पे ये आपको फुल्ली ब्राइट होगा। यहाँ आप देख सकते हो जो इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट किया गया है, ये जो पैनल है हमारा जहाँ नंबर प्लेट एंड इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे एजेस दिए गए हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। और ये हम देख सकते हैं LED के अंदर हमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वहीं आपको यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया है। और ये जो फेंडर है इसको काफ़ी नीचे तक एक्सटेंड किया गया है, जिससे पीछे की गाड़ियों में कभी मर्ज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 390 के प्राइस की बात कर ले तो एक्सोरूम प्राइस 3,10,000 रखा गया है। आपके अलग अलग सिटी में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ एक्सोरूम की बात बता रहा हूँ। ओखला फेज 2 के अंदर में जो ड्यूक का प्राइस है 390 का, 3,10,000 है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ड्यूक 390 आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखें।